साइड आले ढाबे तो रोटी नहीं खान ली नहीं बहना, रोटी खान ली बहना वापस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के दिन की शुरुआत होने वाली है हाइक करने से। चलते मैंने हस्बैंड को कहा कि सैर करके आते थोड़ी, तो कह रहे कि हम ना पार्क में हाइक करने के लिए चलते। मैं कहा बहुत बढ़िया प्लान है। दोस्तों तो मैंने सोचा कि आज के दिन की शुरुआत करते हैं वॉक से, तो हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि हाइक कर लेते हैं। वैसे आज मेरा दिन बहुत बिजी होने वाला है क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी है, एडिटिंग करनी है एंड बहुत सारी और भी चीज़ें करनी है, पर मैंने सोचा कि यार प्लान तो बुरा नहीं है क्योंकि अभी तक ज़्यादा ठंड नहीं हुई है और पेड़ रंग चेंज कर रहे हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो हम लोग आ गए हाइक करने के लिए। यहाँ पे आके ना अलग सी एनर्जी आती है। मैंने पहले भी कितनी बार बताया होगा कि शॉपिंग मॉल्स में जाने से हमें ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसी जगह पे आना, और हम सोच रहे थे कि कम लोग होंगे और पार्किंग खचाखच भरी हुई है। सुबह के 9 बजे हैं और पार्किंग खचाखच भरी हुई है। मुझे नहीं लगता था कि इतनी ज़्यादा क्राउड होगी, पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो हम लोग जो हाइक कर रहे हैं वो पहाड़ी के बिल्कुल साथ है, तो मेरी जान को भी खतरा है दोस्तों। जान मेरी को खतरे में डाल के मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, सो मैं ज़्यादा खतरे में नहीं डालूँगी एंड हाइक करूँगी। हाथी खाई के उस जगह पे देख रहे हैं, नीचे पट्टी यहाँ पे खड़े होके गहराई को नाप रहे हैं। नहीं अन्य कोने ते खड़न दी की जरूरत है, बंदे का पैर स्लिप हो जाए थे फिर की करे, फिर केड़ी मानू मासी आखेगा बंदा, दसो केड़ी पार्क वालों कहेगा कि बंदा साडा तिलक गया। बूट बड़े सोने हैं थोड़े नीले रंग दे, कितों कट के पाले अज लै लै के चीजा रख दे क्यूट जे बूट लगन दे, जिवें सरकारी टीचर नहीं हुंदा कोई पीते सरकारी पीटी टीचर लगन दे अज। ए मैं इंडिया तो लिबर्टी मार्केट तो लाए, ओ झूठा नहीं पंडे तेनु मैं लांदे वेख्या ही कुछ दिन पहला। ओके सो यहाँ पे खड़े हो के थोड़ा सा ये नज़ारा देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। पर अभी पेड़ों का रंग इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ जितना हो जाना चाहिए था, क्योंकि सितंबर का एंड आ गया पर फिर भी ठंड उतनी नहीं है जितनी यूजुअली होती है। तो इस समय तक ज़्यादातर पेड़ों के रंग बिल्कुल चेंज हो चुके होते हैं, पर मैंने लगता हफ्ता तक लगेगा तो एकदम ही लाल चिट्टे पीले हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये नज़ारे को सिंक इन करते हैं, देन हाइक को कंटिन्यू करेंगे। पता नहीं मैं अब हाइक को इन्जॉय करने वाली हूँ, आपको मैं घर जाके मिलूँगी। अगर मुझे कुछ और मज़ेदार मिलेगा दिखाने के लिए तो दिखाऊँगी। बनाना ब्रेक ले ली हाँ, की प्रॉब्लम अड्डी दूर आके खाइयाँ दे कोल बैठ के, अगर मैं इतों डिगा तो मेरी बोन टूटेगी, क्योंकि पत्थर है ना। आई होप आप लोग हमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा सूरज आ रहा है और हस्बैंड ने यहाँ पे बनाना की ब्रेक ले ली है। वैसे मैं इस रास्ते पे आती नहीं, ये रास्ता नहीं है, उल्टे पुल्टे पत्थरों पे आके बैठ गए, फिर मैं सोचा मैं भी बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। पर यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है एंड सूरज सीधा चेहरे पर पड़ रहा है, जिससे मेरे स्कार्स को खतरा भी हो सकता है, पर थोड़ा सा सूरज I can't help but feel the subtleties. So if it all expires, I guess the date's not what it seems. But I can't help it, boy, she says to me. So, जब हम पार्क से आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक बहुत ही प्यारा सा ये फार्म हाउस मिला, जिसमें स्टोर भी है और यहाँ पे एप्पल फार्म है और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक सेल करते हैं। तो हमें इंटरेस्टिंग लगा, हमें अच्छा लगता है फार्म से सीधा चीज़ें खरीदना, तो हम इस स्टोर के अंदर गए। स्टोर की हालत कुछ ठीक ठाक किस्म की थी और जो
मैंने ना सारा ही स्टोर एग्जामिन किया, हर एक कॉर्नर, और एक कॉर्नर कुछ इस तरह का दिख रहा था। मुझे लगता है जो स्टोर की ऑनर है लेडी, वो यहीं पर रहती है, लाइक ये स्टोर ही उसकी किचन भी है, क्योंकि बहुत सारे फ्रिजेस में उन्होंने अपने कढ़ाइयाँ पैन पून रखे हुए थे, और इस कॉर्नर में वो मफिन बना रही है, कुछ ना कुछ कर रही है। एंड फिर वो दोनों पति पत्नी बाहर आए, वो काफ़ी ज़्यादा बुढ़े थे, और जो बुढ़े लोग होते हैं उनको गपशप करने का बहुत मज़ा आता है, एंड मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं गपशप करने में, तो मेरे हस्बैंड के साथ बहुत देर तक गप्पे लड़ाती रही वो लेडी। और हस्बैंड उसे पूछ रहे थे कि तुमने ये फार्म कब लिया था, तो उसने बताया कि वो इस फार्म को चला रही है 63 ईयर्स से। हस्बैंड कह रहे कि तुम्हारी उम्र कितनी है, सॉरी टू आस्क, माइंड मत करना। कह रही कि मैं 83 हूँ, और मेरा हस्बैंड यहाँ पे मेरे साथ फार्म में 57 ईयर्स से है। एंड मुझे वैसे कुछ खास पसंद नहीं आया इस फार्म में से, क्योंकि जो एप्पल्स हैं वो भी सारे ना निशान वाले थे, इतने खूबसूरत नहीं थे, और थोड़े गले से। पर मैं इस दुकान से कुछ ना कुछ तो लेना चाहती थी, क्योंकि वो बेचारी इतनी मेहनत कर दिया ना। एंड फिर मैंने सोचा कि कुछ तो लेते हैं, तो मैंने ढूंढ ढूंढ के ये ग्रेप्स ढूंढे हैं, और ग्रेप्स है तो ऑर्गेनिक, पर घर आके जब हमने ये ग्रेप्स खाए तो इनका टेस्ट इतना अजीब एंड गंदा कहूँगी मैं, नहीं खा पाए हमने। बहुत कोशिश की, कोई हमारे घर में आया, उनको भी खिलाया, पर उनको भी इतना मज़ेदार नहीं लगा, पर खा नहीं पाई। और मैंने ये एक हिमालयन सॉल्ट ले लिया, क्योंकि मैं चाहती थी कुछ तो कुछ खरीदें। और अदर चीज़ है कि इस लेडी के पास हमारे से करने के लिए बातें तो बहुत थी, बट वो हमेशा यही बता रही थी हमें कि उसकी वो दोस्त है वो मर गई, वो मर गई, वो मर गई। उसके पास बहुत सारी स्टोरीज थी दोस्तों की जो मर गई। तो घर आके हमने खाया है साग, मूली एंड परौंठी साग मैंने कल बनाया था, बहुत डिलिशियस साग बना था ये, चिट्टा मक्खन। साग की रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है, अगर आप बनाना चाहते हैं। और ये मूलियाँ तो इतनी मिट्टी थी, मज़ा आ गया। ओके, सो मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ, और मैंने देखा कि मैंने उस दिन उसके बाद शूट नहीं किया था, किसी चीज़ में बिज़ी हो गई होंगी मैं। पर उसके अगले दिन मैंने शूट किया था। पहले मैं सोच रही थी कि ये दोनों व्लॉग्स को एक साथ कर देती हूँ, पर बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि उसका अगला दिन हमारा काफ़ी मज़ेदार था। हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया था हमारे बहुत ही प्यारे दोस्तों का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, होपफुली कल तक वो एडिट कर लूँगी मैं। पर आज मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ, मैं आपके साथ बातचीत करना चाहती हूँ, क्योंकि कितने दिन हो गए कि हमने दिल से दिल तक बात नहीं की है। एंड बहुत सारे दोस्तों के रूटीन में मुझे मैसेजेस आते रहते हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर। उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ और मैं उनको की सलाह दे सकती हूँ। सो समझदार तो मैं आप ही के जैसी हूँ, ठीक ठाक काइंड की, बट ये है कि कई चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ जो मैं मेरी लाइफ में यूज़ करती हूँ, तो अगर उनमें कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो आज हम बात करने वाले हैं क्विट करने के बारे में, कि जब आप अपने सपनों को क्विट करने के लिए सोचते हैं तो क्या करें कि आप अपने सपनों को क्विट नहीं करें। क्योंकि सपनों को क्विट करना इज़ लाइक एंड ऑफ लाइफ ही समझ लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने सपनों को त्याग देते हैं उसके बाद और क्या करेंगे। हमारी ज़िंदगी में सपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सपनों से मेरा मतलब है गोल्स के साथ, कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। मैं बहुत बार कहती हूँ कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, पर ये है कि कई बार ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, या चीज़ें जैसे हम चाहते हैं वैसे वर्क नहीं करती हैं, तो उस टाइम पे निराशा आ जाती है। और उस निराशा से बचकर काम को कैसे जारी करके रखें, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं। सो जब हम निराश हो जाते हैं हमारे गोल्स को लेके, पहले तो एक ये चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपकी गोल्स हैं उनमें कुछ बुरा तो नहीं हो रहा किसी का, किसी चीज़ को, किसी भी लिविंग बींग को हार्म तो नहीं पहुँच रहा आपके ड्रीम के साथ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपका ड्रीम मज़ेदार है, आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो ये सारी टॉक आपके लिए होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन या स्टेटमेंट हम कहते हैं कि
ये इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, दूसरा है कि इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। इस इतने ज़्यादा समय में हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, वो है कंपैरिजन। क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वो ये तो है नहीं कि हम पहले ही बंदे हैं जो दुनिया में करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसने सक्सेस हासिल किया होगा। अब आप कंपेयर करेंगे अपने आप को उस बंदे के साथ कि यार मैनू इतना समय लग रहा है, इसको इतना ज़्यादा समय क्यों नहीं लगा, कि मैं मेरे इस ड्रीम के साथ कहीं पर पहुँचने वाली नहीं हूँ। लाइक बेकार ड्रीम है मेरा, कहीं नहीं पहुंचेगा ये, लाइक कोई मंजिल नहीं है इसकी। अगला है कि जब आप अपने ड्रीम में अपने गोल में हर टाइम फेल होते रहते हैं तो आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए नहीं है, मैं ना गलती चीज़ चूज़ कर ली है, मेरे लिए नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका कोई गोल आप चूज़ करते हैं ना, तो वो ऐसे ही लाइक एवं नहीं आ जाता है, वो प्लान्ड है आपके लिए। आपको ड्रीम या आपका गोल आता ही वो है जिसके अचीव होने के चांसेस होते हैं। सो ऐसे मत सोचें कि ये मेरे लिए नहीं है। अगर आप उस पर काम करना आपने शुरू कर दिया है और आपकी ज़िंदगी में वो ड्रीम आ गया है, वो आप ही के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपके लिए नहीं है। आई कांट डू दिस। जब कांट आ जाता ना कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ, लाइक उस दिन आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर सकती, बस हो गया ख़त्म, कि मैं सोच क्या रही हूँ, लाइक ए मैं तो नहीं होना, मैं सोच भी की लिया, लाइक मैंने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये कर सकती हूँ। सो अब आपको करना क्या है, जब आपके दिमाग में ये वाले क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले जब आप कोई गोल डिसाइड करते हैं ना, सबसे पहला काम है एक अपने मत्थे पे लिख लें, अपने दिल पे लिख लें कि क्विट नहीं करना। एक ना स्टेटमेंट हमेशा बोलते रहें कि आई वोंट क्विट, कि मैं क्विट किसी कीमत पर नहीं कर सकता। जब आप इतना हार्डली डिसाइड कर लेते हैं ना, आज नहीं कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, बस क्विट नहीं करना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं कैंडी क्रश गेम प्ले करती हूँ ना, कई लेवल्स उसके ऐसे हैं जो मैं पास नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, अगले दिन मैं प्ले करूँगी, नहीं हुआ, उससे अगले दिन थोड़ा प्ले करूँगी, नहीं हुआ, उससे अगले दिन, कई लेवल्स हैं जिसको मुझे 10 दिन लग गए होंगे पर एक दिन हो गया। सो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी के गोल्स हैं कि पहले दिन नहीं होना, दूजा नहीं होना, तीजा फेल, चौथा फेल, पंजवा, छवां, 10, 11, 20, 25, पर वन डे क्या होगा कि सक्सेस मिल जाएगा। सो कई बार ऐसे होता है कि बहुत महीनों तक नहीं होगा, सालों तक नहीं होगा, पर जब होगा तो ऐसे हो जाएगा। सो क्विट नहीं करना, बस ये अपने दिमाग पे लिख लें, आई वोंट क्विट। प्लान बी बना के चलेंगे ना तो ए कभी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास प्लान बी है। दूसरी है कि आप किसी के साथ बात कर सकते हैं जो आपको मोटिवेट करता है, इसी के साथ जुड़ी हुई है, किसी के साथ बात मत करें, स्पेशली उस बंदे के साथ जो आपको कहता है कि यार तू की दुनिया से अलग ही काम कर रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जब आप दुनिया से कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो वो आपको कहेंगे कि नहीं ये तेरे लिए नहीं है, मत कर, सारा कुछ बेकार है। तो उससे बात मत करें, क्योंकि आप एक खुद से डिमोरलाइज हैं, आप खुद से सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती, तो दूसरा बंदा और उसमें तेल, घी, क्या बोलते हैं, आग में तेल डाल देगा, तो आपको और लगेगा, सो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो मेरी एग्जाम्पल है, जब मैं परेशान होती हूँ या लगता है कि यार नहीं बनना पाया कुछ, मैं उस बंदे से बिल्कुल बात नहीं करती हूँ इसके बारे में, किसी से भी नहीं करती हूँ, इवन मेरे हस्बैंड से भी नहीं करती हूँ मैं क्विट करने के बारे में बात, किसी भी चीज़ को लेके सिर्फ अपने साथ बात करती हूँ मैं। आप भी अपने साथ बात करें और अपने आप को रीज़न बताएं कि अगर आप ये क्विट करेंगे तो और क्या करेंगे, और क्या प्लान है, क्विट करना क्यों चाहते हो। सेल्फ टॉक आपको मोटिवेट करती है कि आपका ड्रीम और आपका गोल आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है वो आपके लिए। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि उस मंजिल पे पहुंच के आपको कैसा फील होने वाला है। तो अपने साथ बात करें और अपने आप को तर्क दें कि क्यों करना चाहते हैं क्विट। सो इससे बहुत मदद होगी। शीशे के सामने बैठ के करें, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करें और उसे बताएं कि क्यों नहीं करना आपको ये काम। अगर आपने क्विट कर दिया, आप उस रेस से हो गए बाहर, लाइक जिस रास्ते पे आप चल रहे थे उससे आपने ब्रेक लेके साइड पे आ गए, अब उस रास्ते पे ही नहीं हो तो मंजिल पे कैसे पहुंचोगे। वो उस रेस में शामिल ही रहना है, बेशक पिद्दे पिद्दे स्टेप लें, छोटे छोटे, छोटा सा रास्ता कवर करें, पर कवर करें। अगर आपको लगता है कि आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, 2 दिन की ब्रेक ले लें, फिर से चलना शुरू कर दें, क्योंकि एंड मंजिल पे वही पहुंचेगा जो चल रहा है। सो रेस से बाहर नहीं होना है, रेस के अंदर ही रहना है, तेज़ दौड़ना है, धीरे दौड़ना है, खड़े रहना है थोड़ी देर, पर रास्ते से निकल के साइड पे नहीं आना है, लाइक साइड वाले ढाबे तो रोटी नहीं खान ली, नहीं बहना, रोटी खान ली बहना है, वापस फिर चढ़ जाना है, कि जारी रखना है सफ़र, आप ज़रूर से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और मैंने ना एक किसी गुरु की बात सुनी थी, नाम नहीं उनका मुझे पता, थोड़ा मुश्किल नाम है, उन्होंने बताया कि
उनको मेडिटेशन करते हुए 30 ईयर्स हो गए हैं और आज भी वो उसी तरह मेडिटेट कर रहे हैं जैसे उनके गुरु ने उनको 30 साल पहले बताया था। उन्होंने कहा कि मैंने अपना मेडिटेशन का इन्नू सा भी तरीका बदला नहीं है क्योंकि मैंने इतना कुछ सीखा है, इतने लोगों से मिला हूँ, इतना खुद से मैंने अपने आप को जगाया है, पर फिर भी मैंने अपना तरीका बदला नहीं है। सो अगर आप अपने तरीके पे अटल रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये नहीं है कि आज इस रास्ते में छोड़ के दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा, पंजवा, वो सारे रास्ते अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। अगर आप आज यहाँ, कल यहाँ, कल वहाँ, वहाँ वहाँ होंगे तो कैसे अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। सो आपको अपना तरीका सेम रखना है, तरीका सेम ही रखना है, अपना रास्ता सेम ही रखना है। आप वो रास्ता चूज़ कर सकते हैं जो सेम ही मंजिल पे जाता हो, पर अलग अलग सड़कों पे मत घूमें। सो अगर आपके दिमाग में क्विट करने का प्लान आ रहा है तो सोच लें कि क्विट तो ऑप्शन ही नहीं है। आप मेरी एग्जांपल ले सकते हैं, जितने प्यार से मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, जितना मुझे मिलना चाहिए उतना मुझे मिला नहीं है, पर मैं एक स्टेप भी पीछे हटती नहीं हूँ, हमेशा अपनी मेहनत करती रहती हूँ क्योंकि आई नो आई एम गोना रीच समवेयर। बहुत सारी मेरी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ गई जिसने मुझे कहा कि यार नहीं होना हो, मेरी हेल्थ ने बहुत ज़्यादा बुरी तरह जवाब दे दिया था। बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आए जिसमें मैं क्विट कर सकती थी, पर मैं क्विट करने में विश्वास नहीं करती हूँ। सो मैं अपना बेस्ट देती हूँ हर टाइम, मेरा यही होता है कि मेरी अगली चीज़ मेरे पिछले से बेस्ट हो। सो इसी तरह आपको भी क्विट नहीं करना है। अगर आपके दिमाग में क्विट करने का कभी भी विचार आता है तो बिल्कुल मत करें क्योंकि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कोई नन्ही मन्नी सी मोटिवेशन मिली होगी मेरी इस वीडियो से। अगर मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है एंड मेरी हेल्प होती है। एंड यस, मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। बाय, लव यू।